नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत। INN न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह रिकॉर्ड तोड़ जीत हो गई है। सत्ता पक्ष बार बार मार्जन से जीत। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी ताकत झोंके हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि अभी ये बाई इलेक्शन है। देखिए, बाई इलेक्शन है और समाजवादी पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है और सभी वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है। पिछड़े, दलित और सवर्ण और अल्पसंख्यक मुसलमान जी सबका वोट मिला। जिस तरह से लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बयान की बड़ा निंदा की जा रही, चारों तरफ हिंदू देवी धर्म पर उन्होंने टिप्पणी की है, उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। हम पार्टी का संगठन मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को देश से अब हटा दे। कल भी मीटिंग होनी है INDIA की, तो किस तरह से देख रहे हैं और जो उनका उसको लीड कौन करेगा, अगला नेता कौन होगा आपकी नज़र में? अब उसकी चिंता मत करो, नेता हैं उसमें और सब लोग कर लेंगे उसकी, आप लोग चिंता मत करो। मंत्री, जिस तरह से सभी राज्यों में आवाज़ उठाई जा रही है कि कोई नीतीश को कह रहा है, कहीं किसी को, ममता बनर्जी को, क्या आपको लगता है अखिलेश यादव का भी नाम चल रहा है? के लिए देखिए, इसकी चिंता आप लोग मत करो, वो लोग चुन लेंगे और इतने नेता हैं वहाँ पर और इतने सीनियर और इतने मतलब देखिए नेता हैं उसमें, एक नेता नहीं है, और वो सब लोग मिल करके चुन लेंगे। अच्छा, जिस तरह से जल्दी इलेक्शन लोकसभा का कराने की बात चल रही है, ममता जी ने भी कहा है और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कहा है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं अगर जल्दी चुनाव हो जाता है लोकसभा का? देखिए, समय भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से गिरा हुआ है और दिनों दिन गिरता जाएगा, इसलिए कि इन्होंने 9 साल में देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। केवल मीडिया में प्रचार और अच्छा काम कोई अगर किया है तो आप ही लोग बता दो, एक काम बता दो देश की जनता के लिए। आम चुनाव से पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पहले चुनाव करा दिया था कुछ महीने पहले, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। तो इस तरह जिस तरह मोदी जी की सरकार है, अगर जल्दी चुनाव होता है तो नुकसान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब ये देश से